ऑल राइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, ऑफिस जस्ट खत्म हुआ है, प्लस अभी ऑफिस से मैं निकल रहा हूँ कर्नाटका एक्वेरियम, और वहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें आई हैं तो उसको हम कवर करने जा रहे हैं। एनीवेज, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, तो चलिए वहाँ पर हम निकल रहे हैं और जल्दी से कर्नाटका एक्वेरियम हम पहुँचते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता है, भाई पीछे दिख रहे हैं, यहाँ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। अभी तक आपने यहाँ पर देखे थे टॉर्टोइस, आज आप देख रहे हैं टॉर्टोइस का बाप इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्यूटी। वेट फॉर इट, हियर इट कम्स, ऑलमोस्ट देयर। ये देखिए, तो भाई की वजह से इतनी क्लासिक ब्यूटी है देखने को मिल रही है, और इसके डिटेल के लिए भाई से पूछते हैं इसका नाम और सबके बारे में। तो भाई, ओवर टू यू। तो इसका नाम है लेपर्ड टॉर्टोइस। जो रेगुलर हमारा जो लेपर्ड टॉर्टोइस आता है वो ज़्यादातर काला या ब्राउन कलर में आता है। अगर वो वाइल्ड कॉट में है तो काला कलर आता है, और कैप्टिव ब्रीड में है तो ब्राउन कलर आता है। और ये कैप्टिव ब्रीड में इसको नया म्यूटेशन बनाया गया है, इसका नाम है हाई वाइट लेपर्ड टॉर्टोइस। हाई वाइट जिसको आप देख सक रहे हैं ना, ये हाई वाइट लेपर्ड टॉर्टोइस है। और अगर आपको कॉमन लेपर्ड टॉर्टोइस भी इतने साइज में मिल रहा है तो इट्स सम एक्सपेंसिव टॉर्टोइस। और ये लेपर्ड टॉर्टोइस जो है काफ़ी रेयर मिलते हैं, बिकॉज कंपेरिजन टू अदर टॉर्टोइस जो है काफ़ी रेयर मिलते हैं। जैसे कि आपने बोला कि टॉर्टोइस का बाप है, ये रियल में बाप है, क्योंकि काफ़ी रेयर स्पीशी है, और इतना बड़ा साइज मिलना तो इम्पॉसिबल है इंडिया में, इम्पॉसिबल है। तो इसमें मेल फीमेल कन्फर्म है, आप देख सकते हैं ये फीमेल है, आप इसका शेप देख सकते हैं, ये शेल का शेप, ये फीमेल है, और इसका आप बता सकते हैं ये मेल है। ओके, तो ये कैसे यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई? भाई उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ने आ जाना बता दीजिए। ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल फीमेल का पेयर है, और ये काफी और बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े में ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये कितने ऑलमोस्ट डबल साइज, इसका डबल साइज, इसका नहीं, इसका डबल साइज, क्योंकि थोड़ा बड़ा है इससे, तो इसका डबल साइज हो जाता है, और काफी अच्छे वेट में हो जाते हैं, और काफी ब्यूटीफुल स्पीशी है ये। पैटर्न तो ही बहुत प्यारा है, हाँ। क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे निकलने के बाद इस साइड में कर्व भी हो रहा है, हो रहा है। तो दोनों में ही कर्व हो रहा है, जो आप देख सकते हैं गाइस, यूजली दूसरे टॉर्टोइस में इतना कर्व देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें भी सेम वही है क्या भाई, कि अगर जैसे मेल थोड़ा छोटा है फीमेल से, तो फीमेल बड़ी होती है इसमें? थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि जब ये दोनों थे तो सेम साइज के थे, फीमेल थोड़ा ज्यादा बड़ी हो रही है और मेल थोड़ा। यूजुअली हर अपने टर्टल्स में भी, रेडियस स्लाइडर में भी, हाँ, क्योंकि फीमेल बड़ी होती है और मेल थोड़ा छोटा रहता है। तो इसका प्राइस आप रिवील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली प्राइस तो नहीं रिवील करूंगा, जिसको भी अगर कोई इंटरेस्टेड है इसके बारे में पहले जान लीजिए। डॉलर अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं, डॉलर पे कन्वर्ट करके देख लीजिए, उस हिसाब का आपको ये प्राइस में मिल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेरिजन टू US प्राइस, क्योंकि काफ़ी रेयर स्पीसी है। इधर रखना और इसको इतना बड़ा करना, इतने बड़े करने के टाइम पे जितना खर्चा आता है वो मुझे पता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। ब्यूटीफुल तो है, नो डाउट है, अबाउट 10 लाख ही रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा। सिंगल पैर, अबाउट 10 लाख ही रहेगा, क्योंकि अभी मैं इनको देना चाह रहा हूँ, इस वजह से रेट कम बोल रहा हूँ। अगर नहीं देना चाह रहा तो अपना प्राइस है, जैसे 1 करोड़ भी बोलता है मन में जितना भी आता, नहीं देना है तो रेट तो बोलेंगे ही। और इसका जो पेयर है वो कंप्लीट पेयर है, जैसे कंफर्म पेयर जैसे बोलते हैं, ऐसा कंफर्म पेयर है ये मुड़ते हुए कंटिन्यूसली। तो कंफर्म पेयर है, अगर किसी को ब्रीड भी करना है या फिर एज अ पेट रखना है, कोई रेयर टॉर्टोइस रखना है, जैसे कि मैंने अल्डाब्रा बता दिया है, और टॉर्टोइस में काफ़ी सारे स्पीशीज बता दिए हैं, तो हाई वेट लेपर्ड टॉर्टोइस जो है वो काफ़ी मे बी लाइक इंडिया में पहली बार हम बता रहे हैं यही चैनल पे, और इससे पहले कोई दिखा भी नहीं। बेसिकली आई थिंक भाई के चैनल पे हमने देख लिया है अल्डाब्रा, सलकटा, रेड फुट, एंड देन ये हो गया अपना हाई वाइट लेपर्ड, और कौन से देखे भाई हमने? काफ़ी सारे बताए भाई, इजिप्शियन बताए, रशियन टॉर्टोइस।
बताए थे हम लोगों ने। हाँ, तो काफी सारे टॉर्टोइस काफी देख लिए। तो भाई अब ये हमने ब्यूटीफुल देख लिए, अब आगे हम क्या देखने वाले हैं? मेरे पास लीफ टर्टल है, वो भी काफी रेयर टर्टल है। जी भाई, तो अब इसके बारे में बताइए आपके हाथ में जो। तो ये लीफ टर्टल है, इसका नाम है एशियन जायंट लीफ टर्टल है। अरे पागल भाई, पागल कर दिया पिता जो। और ये ज्यादातर मॉइस्चर प्लेस पे रहते हैं, जैसे कि थोड़ा गीला हो गया कोकोपीट डाल के रख दिए। और टर्टल है, टॉर्टोइस नहीं है, लेकिन टॉर्टोइस की तरह रहता है। टॉर्टोइस की तरह ही रहता है, एज इट इज टॉर्टोइस है, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा पानी की जगह चाहिए, पानी नहीं चाहिए कम्प्लीट मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, जैसे कि कोकोपीट में पानी डाल दिया अच्छा गीला गीला, हाँ ह्यूमिडिटी टाइप में, वैसे टाइप में रहता है। और ज्यादातर इंसेक्ट्स खाता है, जैसे मिलवॉर्म्स हो गए, रोचेस हो गए, ऐसे ज्यादातर इंसेक्ट्स ही खा के जीता है। और काफी रेयर टर्टल है ये भी, काफी माने बहुत ही बहुत रेयर टर्टल है। और तो इनका साइज कितना हो जाता भाई? ऑलमोस्ट लाइक 1.5 फीट। लीफ टर्टल में यही जॉइंट टर्टल है। okay. एक और लीफ टर्टल आता है, वो काफी छोटा रहता है, इतना ही बड़ा होता है। बेसिकली हम इनको बोलते हैं जायंट लीफ टर्टल, एशियन जायंट लीफ टर्टल। तो इनका प्राइसेस बता रहे हैं, 45,000 ईच पीस है। और हम लोग अगर आप क्वांटिटी में ले रहे हैं, जैसे मेल फीमेल ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट डाल के दे देंगे। okay. अभी तो 45,000 ईच में ऐसे सेल कर रहे हैं। हाँ तो भाई, तो इनके बारे में बताइए। रेडियर स्लाइडर है, इनके बारे में तो कुछ बताना है ही नहीं, क्योंकि कॉमन ऐसे ही रेगुलर सेल होते हैं। तो रेडियर स्लाइडर का जो प्राइस है वो 1200 रुपए का पेयर है, काफी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, होलसेल प्लस रिटेल। अगर होलसेल में जैसे कि मिनिमम 100 पीस ले रहे हैं तो अलग प्राइस रहेगा, होलसेल और रिटेल दोनों है, क्योंकि काफी अच्छी क्वांटिटी आई हुई है। और इसके जो एक्सेसरीज हैं, जैसे फूड हो गया, टैंक हो गया, फिल्टर हो गया, कैल्शियम पाउडर हो गया, और इनके लिए जो भी मतलब एक्सेसरीज आते हैं टर्टल टॉर्टोइस के और रेप्टाइल्स के, ये सब हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। और इसमें मेरे पास एक काफी रेयर चीज है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, जिसको हार्ट बीट टर्टल बोलते हैं। इसकी बॉडी में एक सिर्फ एक लेयर रहता है, उसका हार्ट थोड़ा ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, बट एक लेयर रहती है, जिससे आपका अंदर का काफी रेयर टर्टल है। तो एक पीस इसमें मुझे मिला था, तो उसको मैं अलग उठा के रखा हूँ, पाल रहा हूँ ऐसे ही। और इसमें मेरे पास अल्बाइनो रेडियर स्लाइडर है, नॉर्मल रेडियर स्लाइडर में अल्बाइनो भी है, और छोटे बच्चे हैं। तो अल्बाइनो रेडियर स्लाइडर का 20,000 रुपीज ईच है, और इसका 600 रुपीज ईच है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल। भाई इन ब्यूटीज के बारे में बताइए। तो ये एलिगेटर गार है, स्पॉटेड एलिगेटर गार बोलते हैं, इसका नाम स्पॉटेड इस वजह से रखा गया, इसके टेल पे आप स्पॉट्स देख सकते हैं, और ये काफी अच्छे साइज में है। अभी जो इसका साइज है वो मे बी लाइक 2-2.5 फीट है, बिकॉज ये 4 फीट की टैंक है। आप इसका साइज देख सकते हैं, कम्प्लीट लाइक पौनी टैंक इसमें आ रही है, तो मे बी लाइक 2.5 फीट की फिश है। और इसमें ये मेल फीमेल ये नहीं बता सकते, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हूँ मैं भी। लेकिन इनका जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज ईच है एलिगेटर गार का। और मेरे पास दूसरी जो स्पॉटेड एलिगेटर गार बोलते हैं, और इसको चिकन, लाइव फिश जो भी देंगे आप, अपना हाथ देंगे तो भी खा लेगा, क्रोकोडाइल है सेम। ओह माय गॉड, इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत ही बहुत रैश फिश रहती है। अगर इसको कोई अच्छा जैसे कि टेक केयर करने वाला रहेगा तो ही खरीदिए, खरीदना माने ये नहीं है कि ले लिए कैसे भी छोड़ दिए, काटेगी तो बहुत गलत। नहीं, अभी तो इनका आप देख सकते हैं फुल्ली फीड करा हुआ है, फुल्ली फीड करा हुआ है, बिकॉज हम लोग इनको सुबह सुबह ही खाना दे देते हैं, ताकि रात तक प्रॉब्लम ना हो। भाई ये सबसे प्यारी चीज यहाँ दिख रही है, इसके बारे में ये स्टिंगरे है, डायमंड स्टिंगरे, ये हाई व्हाइट डायमंड स्टिंगरे है। आप इसके व्हाइट स्पॉट देख सकते हैं, क्योंकि रेगुलर जो स्टिंगरे आती है उसको इतना हाई व्हाइट नहीं आता है, तो ये हाई व्हाइट स्टिंगरे है, काफी ब्यूटीफुल साइज है। ये भी लगभग आपकी 2 फीट के करीब की है, और इसका जो प्राइस है वो 45,000 रुपीज है,
और ये काफी मतलब इंडिया में इसको डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है पालने के लिए। अगर आप ऐसे कॉमन लेके जा रहे हैं मछली तो वो कॉमन मछली ही होगी, लेकिन इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन, ये एक्चुअली इलीगल फिश है। ओके, इलीगल, इसको ऐसे नहीं ट्रेन कर सकते। बस वही पूछ रहा था फॉर माय नॉलेज, तो ये कॉस्टली वाली, अगर किसी कोई हॉबिस्ट है जिसको बजटेड से स्टार्ट करना है, वो कौन, वो दूसरी स्टिंगरे होती है? हाँ, वो मटोरो स्टिंगरे आती है, जो स्टिंगरे 6,500-8,000 ऐसे स्टार्ट होती है। हाँ, तो वो काफी छोटा बच्चा रहता है, इससे अलग है, इससे काफी अलग है भाई। वो ब्राउन कलर में आता है, ये डायमंड हाई व्हाइट है। अच्छा, ये वन ऑफ द रेयर है। हाँ, रेयर है, और इससे भी रेयर आते हैं, वो अभी तो मेरे पास है नहीं, बस वो दो पीस आए थे। बट अगर जैसे कि मैं प्लान कर रहा था कि अभी फ्यूचर में 5 फीट बनाऊंगा, तो 5,500-5,500 वाले भी आते हैं? हाँ, 5,500-5,500 भी आते हैं। पिछली बार में भी लाइक 8,000-9,000 रुपए की थी वो। प्राइस उसका अप एंड डाउन होता रहता है, जैसे कि अगर ब्रीड हो रही है तो रेट कम आ जाएगा, ब्रीड नहीं हो रही है तो रेट बढ़ जाएगा। डिमांड के हिसाब से उसका जो है प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है। और जो ये स्टिंगरे है, इसका आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर बिना डॉक्यूमेंट भी पाल रहे हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ रखेंगे तो काफी अच्छा है। और स्टिंगरे में वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टिंगरे, क्योंकि ऐसे कॉमनली सब जगह स्टिंगरे नहीं पाई जाती है, नहीं मिलती है, सब पेट शॉप्स पे आपको, एक्वेरियम शॉप्स पे स्टिंगरे नहीं मिलती है। करेक्ट। और भाई इसकी आंखें भी बहुत प्यारी है, और ऑक्टोपस टाइप लग रही है ये, ऑक्टोपस फेस। हाँ, फेस तो ऑक्टोपस जैसा ही लगता है, और काफी एक्टिव फिशेस है, और लाइव फिश इसको आप दे सकते हैं खाने में, और चिकन दे सकते हैं, श्रिम्स वगैरह देख सकते हैं, तो खाने में अच्छी काफी हेल्थ कर। एक बात तो है, कर्नाटका एक्वेरियम में आके मेरा जी भर जाता है, कि तो जितनी एग्जॉटिक जो हम वीडियोस या टीवी में देखता हूँ, मैं यहाँ पर्सनली देख लेता हूँ। आप लोगों को थोड़ी जलन हो रही होगी, मैं हर बार आके यहाँ इन पर्सन देखता हूँ, और वो फीलिंग अलग होती है। सभी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, देखने में तो कुछ पैसा नहीं लगता। हाँ, जो बैंगलोर में ऑफकोर्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे काफी सब्सक्राइबर ऑल ओवर इंडिया है, तो मतलब मैं अपनी एक फीलिंग जाहिर पेटिंग जू प्लान कर रहा हूँ, काफी दिन से प्लान कर रहा हूँ। अगर सभी हमारे सब्सक्राइबर जो है वो हेल्प करेंगे, कुछ हमें मोटिवेशन देंगे, तो बहुत जल्दी पेटिंग जू भी ओपन होगा। वो तो इंशाल्लाह मैं भी मिलके करेंगे, अच्छा सा एक अच्छा खासा चालू करेंगे, जहाँ सब पेट्स देख रहे हैं मिलके हम लोग। तो गाइस, ये था एक अमेजिंग सा वीडियो। एज यूजुअल कर्नाटक एक्वेरियम में आते हैं, वी नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। तो नंबर जो रिफ्लेक्ट थ्रू आउट हो रहे थे, तो वो आप उस पर आप व्हाट्सएप कॉल या रेगुलर कॉल दोनों कर सकते हैं। इनफैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन कर्नाटका एक्वेरियम के तो जितने इंस्टाग्राम हैंडल हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। शॉप की लोकेशन है, एंड अगेन कॉन्टैक्ट नंबर्स आर देयर, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी आपको इसमें से इंटरेस्टेड हो। एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस, जो लास्ट भाई के साथ हमने टर्टल्स पे जो वीडियो बनाया था, इट क्रॉस दी 1 लाख व्यूज विद इन 3 वीक्स, विच इज गुड, अ रियली गुड व्यू फॉर मी। थैंक यू फॉर दैट मोटिवेशन, बिकॉज भाई ने रिक्वेस्ट किया और आप लोगों ने किया, तो ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, और जैसा भाई ने मेंशन किया, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। और जितने हमारे हॉबिस्ट हैं, पेट लवर्स हैं, तो वी कीप गेटिंग समथिंग गुड एंड न्यू। बाकी भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी एनिमल आप खरीद रहे हो उनको काफी अच्छा टेक केयर करिए। ज्यादातर काफी सारे लोगों को ऐसा देखा हूँ कि पैसे के ऊपर केयर कर रहे हैं, एनिमल के ऊपर नहीं। पैसे को छोड़िए, एनिमल को टेक केयर करिए, क्योंकि एनिमल रहेगा तो ही आप है, नहीं तो नहीं। बहुत अच्छी बात बोली। चलो उसी नोट पे जल्दी से भाई ने बोला कि बहुत जल्दी और कुछ आने वाले हैं, क्या टॉटॉइज आने वाले हैं, भी रिवील नहीं करेंगे, बट ये हैज ऑलरेडी फ्यू थिंग्स लाइंड अप फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। तो अगर आपको ऐसे और भी कंटेंट देखना है, मैं भाई के पास ऐसे रेगुलर आता रहता हूँ, वी गेट टू विटनेस लॉट ऑफ क्रेजी पेट्स हियर, तो और भी वीडियोस देखने हैं, और काफी सारे ऐसे चीज आते हैं, मैं यूट्यूब पे दिखाता नहीं हूँ, बिकॉज उसका थोड़ा अलग रहता है, लीगल इशू नहीं, पैसे का लेके। तो ज्यादातर एनिमल्स नहीं दिखाता हूँ, अभी भाई को लेके जा रहा हूँ मैं, उनको एक चीज दिखाऊंगा ताकि वो थोड़े खुश हो जाए। तो गाइस, अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है, तो प्लीज डू हिट सब्सक्राइब बटन, प्लस मोर देन मी, इनका खुद का जो यूट्यूब चैनल है, मैंने आपको बताया, डू सब्सक्राइब देयर, बिकॉज वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। बाकी ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।